जब देश में बेरोजगारी का दर 33% है, तब देश का युवा सुबह शाम गेम खेलने में व्यस्त है। जब देश में 10 में से 4 लोगों को रोजगार के लिए घर शहर छोड़ना पड़ता है, तब देश के 22 करोड़ युवा गेम खेलने में व्यस्त है। जब देश में 10 में से 8 नौकरी पेशा लोग अपने काम से खुश नहीं है, तब भी वो दिन का 15 करोड़ घंटे गेम खेलने में व्यस्त है। इन गेम्स में अनावश्यक बाधाओं का सामना किया गया है, अनावश्यक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हमने लोगों को मारा है, पेड़ पौधे पक्षियों का नाश किया है, इमारतें और न जाने कितने विभिन्न प्रकार के नुकसान किए हैं। इन गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए गेम्स के उन्हीं किरदारों ने आप पर इल्जाम लगाया है जिन्हें आपसे नुकसान हुआ है, और वो इल्जाम है कि जितना समय आपने अनावश्यक बाधाओं का सामना अनावश्यक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया, उतना ही समय अगर आपने आवश्यक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बाधाओं का सामना किया होता, तो शायद ये मंजर हमारे सामने ना होता, जिससे आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। आप सभी लोग यहाँ उसी इल्जाम के वजह से हैं, उसकी सजा आपको दी जा रही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसी समय वनवास भेजा जा रहा है, और तब तक आपको वापस आने की अनुमति नहीं जब तक आप एक नई व्यवस्था को विकसित नहीं करते। अब आपने ये सारे अपराध अनजाने में किए हैं, इसकी कड़ी सजा देना अनैतिक होगा। इसीलिए इस वनवास में एक किताब आपको हर समय सहायता के लिए होगी। वो किताब आपको हर सही सवाल पर जवाब देगी, और सिर्फ सही सवाल पर।